Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 3 from Moments. Name of the chapter is Ishwaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. He was an Indian cartoonist, illustrator, and a humorist. He started his career as a part-time cartoonist, working mostly for local newspaper and magazines. He died on 26 January 2015. अभी आपने सीखा था कि स्टोरी राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर द राइटर इज टेलिंग अस द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर. कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, कि स्टोरी राइटिंग तो एक आर्ट है ही है, स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. कि स्टोरी हमें इस तरह से सुनानी चाहिए कि आप सुनने वाले को कैप्टिवेट कर सको. द टाइटल ऑफ एनी कंपोजिशन गिव्स द हिंट अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंपोजिशन. So, the title is suggesting here, it is the story of Ishwaran, who is the best storyteller. So, let's read this interesting story and discover कि Ishwaran में ऐसी कौन सी quality है कि उसे good storyteller कहा गया है. Let's read the story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahindra, by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on-hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. Mahindra is narrating this story to Ganesh. Story कहाँ से start हो रही है कि Mahindra Ganesh को ये story बता रहा है और वो story में क्या बताता है Ishwaran के बारे में कि Ishwaran has the quality of a good storyteller and he told the stories in quite an animated manner. Mahindra was a young man who worked as a junior supervisor in a company. कि जो कंपनी जूनियर सुपरवाइजर प्रोवाइड करती है अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनीज को रेंट पर, वहाँ वो काम करता है. सो ही गोट पोस्टेड एट डिफरेंट साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेज एंड डैम्स विच वर अंडर कंस्ट्रक्शन. महिंद्रास जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन As ordered by his head office. जैसे उसे head office से order मिलता है, so he move करता रहता है कि he had frequently move from one place to another. ठीक है, कहाँ कहाँ move करता है? From a coal mining area to a railway bridge construction site. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. It means Mahindra's की job क्या है? What was Mahindra's job? Mahindra's job was to check the work of the workers. और वो क्या करता है? One place to one another place move करता है, जैसे coal mining, railway bridge construction site of chemical plant. क्लियर दिस पैसेज. कि महिंद्रा की जॉब क्या थी? जूनियर सुपरवाइजर था और जॉब के सिलसिले में डिफरेंट प्लेसेस पर वो जाता रहता था. ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, कि ये कोई सर्किट हाउस जहाँ पर इल इक्विप्ड का मतलब पूरी तरह से फर्निश्ड ना होना, सामान ना होना जरूरत का पूरा, और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट. मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इट मीन्स टेम्प्रेरी कैनवस टेंट बना लेना इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी. क्वारी मीन्स हेयर माइन, जैसे माइन खाने होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर वो जाता था तो उसके पास में ही टेंट लगा लेता था. मेकशिफ्ट टेंट का मतलब टेम्प्रेरी टैंप बनाना. सो ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल, इट मीन्स ही वॉज अनमेरिड, ही डिडंट हैव फैमिली, ही डिडंट हैव चिल्ड्रन. सो ही वॉज एबल टू लिव इन देयर टेम्प्रेरी क्वार्टर्स. जो भी क्वार्टर्स या टेम्प्रेरी चीज़ों से प्रोवाइड की जाती थी एट द कंस्ट्रक्शन साइट पर, ही वॉज एबल टू लिव इन, कि अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, कि वो किसी भी तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था. ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल कंडीशंस. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahindra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. Ki Ishwaran is Mahindra's cook and he was very close to Mahindra and accompanied him everywhere. Ki jahan kahin bhi uski posting hoti thi, wherever he was posted, wo uske saath jata tha, he followed him.
और बिना किसी कंप्लेन के, इट मीन्स ही डिड नॉट कंप्लेन अबाउट द टफ कंडीशंस इन विच ही हैड टू लिव. अब वो उसके लिए क्या क्या काम करता था. ही कुक्ड फॉर महिंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. एनेक्डोट्स मीन्स ऑल्सो स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, अम्यूजिंग स्टोरीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पर. इट मीन्स ईश्वरन हैड अ क्वालिटी दैट ही वॉज गुड एट टेलिंग स्टोरीज. और अपनी स्टोरीज के थ्रू ही एंटरटेन्ड महिंद्रा, महिंद्रा को एंटरटेन करता था. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape. Desolate landscape मतलब सुनसान एरिया, उसकी जो कॉस्टिंग होती थी वो ऐसे ही प्लेस पर होती थी, आसपास कोई दिखाई नहीं देता था. With no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up होता है क्रिएट करना, मिरेकल के साथ, इट मीन्स मैजिक के साथ, क्रिएट विद मैजिक द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट. जिंक शीट मीन्स हेयर, जिंक शीट शेल्टर मीन्स हेयर, टेम्परेरी हाउस जो बनाता था पहुंचने के बाद. किसी भी नई वर्क साइट पर जाता था एट द न्यू वर्क प्लेस, तो वहां जाकर वो क्या करते थे, टेम्परेरी हाउस बना लेते थे. सो हेयर ईश्वरन की एक और क्वालिटी को महिंद्रा यहाँ पर डिफाइन कर रहा है. महिंद्रा टेल्स गणेश दैट ईश्वरन वॉज अ ग्रेट कुक, कि वो अच्छा कुक भी था. कि जब कभी भी वो कहीं सी नई लोकेशन में शिफ्ट होते थे, देन ही वुड गैदर ऑल द वेजिटेबल्स एंड अदर इन्ग्रीडियंट्स एंड वुड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज विद नो टाइम. बिना कोई टाइम लगाए नई नई डिश वो उनके उसके लिए बनाकर रख देता था. इट मीन्स ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई मैजिक जानता है. दूर दूर तक जब कोई शॉप भी दिखाई नहीं देती थी, सुनसान एरिया होता था, और फिर भी वो सारी ज़रूरत की चीज़ें गैदर कर लेता था. सो यहाँ पर ईश्वरन की एक और क्वालिटी जो है अमेजिंग क्वालिटी, वो भी यहाँ डिफाइन की गई है कि वो एक अच्छा कुक भी था. महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लिस्ट आउट हरी. बिना कोई जल्दबाजी के आराम से पॉरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. व्हेन महिंद्रा लेफ्ट फॉर ऑफिस, ईश्वरन वुड डू हिज वर्क लाइक क्लीन द शेड, वॉश द क्लॉथ्स. टाइडी अप मीन्स क्लीन करना, क्लीन द शेड, वॉश द क्लॉथ्स एंड ऑल्सो टेक अ लेजरली बाथ. अब बात करते हुए क्या क्या करता है, नहाते हुए. वाइल टेकिंग बाथ ही कैप्ट मटरिंग अ प्रेयर. इट वुड लंच टाइम बाय देन. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मीन्स शॉर्ट स्लीप. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. It means he was fond of reading stories. So after taking lunch, he would read his favorite book in Tamil language. Tamil thriller ki jo books hoti thi, wo padhta tha aur Tamil language ki hoti thi. Its imaginative descriptions and narrative flourishes. फ्लॉरिशेज होता है डेकोरेटिक, लैंग्वेज को डेकोरेट करना. वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल. थ्रिल का मीनिंग एक्साइटेड में. इट मीन्स इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, कि उस बुक्स का जो डिस्क्रिप्शन होता था, जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया था, लैंग्वेज कैसी थी, वो सारी चीज़ें वो अपने माइंड में रखता था और एक्साइटेड हो जाता था बहुत ज़्यादा. और इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखकर देन ही वुड गो ऑफ टू स्लीप, सोने चला जाता था. His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अब वही कि वो जिस तरह की description पढ़ता था, वो उसको अपनी story में क्या करता था, include करता था. जिस तरीके से वो story सुनाता था ना, उस तरह के thriller उसकी stories में include हो जाते थे description में. When he was narrating, even the smallest incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जैसे ईश्वरन स्टोरी को डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ता था, तो वो सारी चीज़ें, तो ही नरेटेड द स्टोरी इन द सेम वे. इट मीन्स ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस. सस्पेंस क्रिएट करके अपनी स्टोरी को सुनाता था. हेयर एग्जाम्पल इज गिवन कि हाउ डिड ही टेल द स्टोरी.
Instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say कि वो क्या करता, suppose on the highway when he saw an uprooted tree. He would not explain in simple way कि he saw an uprooted tree, कि उसने एक uprooted tree देखा, उसको वो simple way में explain नहीं करता था. कैसे explain करता था? He would say, वह कहता था, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. कि वो क्या करता था? He shows face expression with suspense, fear. क्लियर? कि अपने फेस एक्सप्रेशन देता था. आईब्रोज आर्च करने का मतलब आईब्रोज बनाना, आईब्रो अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू जेस्चर देना, बॉडीली जेस्चर देना, इस तरह से फेस एक्सप्रेशन देकर वो अपनी स्टोरी को बताता था. द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. It means when he was walking down on the highway, the road was empty, bilkul khali. He was all alone. This would create suspense in the listener's mind. तो वो जिस तरीके से बोलता था वो listener के mind में एक suspense create कर देता था. Then he would say that all of sudden he saw that a huge beast was laying across the road. So he wants to go back. वापस जाना चाहता है, लेकिन mind क्या कह रहा है? Mind तो यही कह रहा है कि वापस चला जाता हूँ. But he came closer. वो और close आता चला जाता है देखने के लिए. और क्या देखता है? It was a fallen tree. It means the branches of tree had spread out and उसे ऐसा लगता है जैसे कोई huge beast वहां पड़ा है. Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. It means जिस interesting way में Ishwaran story को सुनाता है, Mahindra would not say anything and listen to him quietly. Here the writer want to say that कि Ishwaran कि यही है ईश्वरन का टैलेंट कि वो सिंपल स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग बना देता है. कि वो इस तरह से उसको नरेट करता है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग बन जाती है और कैप्टिवेटिंग बन जाती है. आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. ईश्वरन वुड बिगिन. हियर ईश्वरन इज टेलिंग द अनदर स्टोरी टू हिज मास्टर महेंद्र. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर. इट मीन्स जहाँ वो रहता था, दैट प्लेस वॉज फेमस फॉर टिम्बर. देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. इट मीन्स फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ ट्रीज. द लॉग्स आर हॉल्ड. लॉग्स मीन्स बिग पीसेज ऑफ वुड. हॉल्ड मीन्स कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना. ऑन टू द लॉरीज. लॉरीज मीन्स व्हीकल्स, बड़े बड़े व्हीकल्स. बाय एलिफेंट्स. इट मीन्स लॉग्स को एलिफेंट्स के द्वारा व्हीकल पर चढ़ाया जाता था. इट मीन्स दे वर ट्रांसपोर्टेड ऑन द व्हीकल्स बाय एलिफेंट्स. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट. इट मीन्स दे आर ह्यूज बीस्ट हियर एलिफेंट्स. दे आर ह्यूज एलिफेंट्स. वैन दे टर्न वाइल्ड मीन्स हिंसक हो जाना. कि वैन दे बिकेम मैड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत जो उनको कंट्रोल करते हैं इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम. वैन दे बिकेम मैड इट मीन्स वैन दे वुड गेट आउट ऑफ कंट्रोल. सो द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम. उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते. आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. आफ्टर दिस प्रोलोग. प्रोलोग का मीनिंग होता है कि जैसे कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उससे पहले एक उसकी भूमिका बांधते हैं. तो वो एक भूमिका बनाता है एलिफेंट की. आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी. इलेबोरेट पूरी एक्सप्लेन में उसको स्टोरी को सुनाना शुरू कर देता है अबाउट एन एलिफेंट. स्टोरी क्या सुनाता है अब वो. वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. कि एक टिम्बर यार्ड से टस्कर मीन्स एलिफेंट निकल कर भाग जाता है. एंड बिगिन टू रोम अबाउट. इट मीन्स ही स्टार्टेड मूविंग हेयर एंड देयर. Stamping on bushes पर stamp करना. Tearing up wild creepers and breaking branches at will. Tear कर देना wild creepers को तोड़ना. And broke branches. It means it broke all the branches of the trees.
इस तरह से वो तोड़ फोड़ मचाता हुआ चल जाता है, जो कोई भी उसके रास्ते में आता है उसको तोड़ता फोड़ता चलता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, इट मीन्स हियर ईश्वरन इज आस्किंग टू हिज मास्टर कि डू यू नो एन मैड एलिफेंट, हाउ मैड एलिफेंट बिहेव्स। ईश्वरन वुड गेट सो कोट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट स्टम्पिंग हिज फीट इन इमोलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। इमोलेशन मीन्स कॉपी करना, इट मीन्स इन ऑर्डर टू मेक हिज स्टोरी इफेक्टिव, इफेक्टिव बनाने के लिए ही मेड सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, ही वुड गेट अप, गेट अप मीन्स स्टूड अप, खड़ा हो जाता है ऑन फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर पर, एंड जम्प्ड अराउंड, जंप करता है, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमोलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, अपनी फीट को स्टैम्प करना, इट मीन हीटिंग हिज फीट ऑन द ग्राउंड टू कॉपी फॉर द एक्शन ऑफ द मैड एलिफेंट। Clear? The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. Elephant, आगे वो अपनी story को continue करते हुए बता रहा है कि elephant reached the outskirts means outer area. हमारे टाउन के आउटर एरिया में पहुंच जाता है, ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स, जैसे किसी मैच स्टिक को तोड़ते हैं ना, उस तरह से वो फेंसेज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है एलिफेंट। इट केम अप, इट केम इन टू द मेन रोड, इट मीन्स इट रीच्ड मेन रोड पर पहुंचता है, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स selling fruits, mud pots and clothes and smashed all the stalls. It means broken करना, तोड़ता हुआ, it broke all the stalls selling different things जैसे fruits, pots, clothes. People ran helter skelter in panic. It means people started running from here and there in panic, in fear, क्योंकि वो सभी क्या थे, डर के कारण इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. Brick wall को तोड़ते हुए the elephant entered a school ground where children were playing. All the boys ran into the classroom and shut the doors tight. जैसे ही वो एलिफेंट को एंटर करते हुए देखते हैं सभी डर जाते हैं एंड दौड़ कर सभी क्लासरूम में भाग जाते हैं एंड क्लोज द डोर्स टाइट। द बीस्ट ग्रंटेड, ग्रंटेड मीन्स साउंड जो एलिफेंट्स क्रिएट करते हैं, इट मीन्स ही क्रिएटेड लाउड साउंड एंड वेंडर्ड अबाउट, और वेंडर करता है इधर उधर घूमता है, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, इट मीन्स पुलिंग आउट खींचते हुए तोड़ते हुए फुटबॉल गोल पोस्ट को ऑन द फुटबॉल ग्राउंड, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, इट मीन्स ही टोर डाउन द वॉलीबॉल नेट, एंड कीकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, इट मीन कीकिंग किक करना, ड्रम जो वाटर का पानी, वाटर ड्रम वहाँ जो रखा हुआ था उन सभी को उसने क्या किया है, सबको तोड़ते हुए, इट मीन्स ही स्टैप्ड ऑन द वाटर ड्रम एंड ब्रॉक इट एंड टोर मैनी प्लांट्स एज वेल, और बहुत सारे प्लांट्स को तोड़ते हुए वो अंदर चला जाता है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, डर के कारण ऑल द टीचर्स हैड वेंट ऑन द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट। डेप्रीडेशन का मीनिंग्स है अटैक्स विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कि एलिफेंट्स जो कि एक्टिविटीज थी डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटी को दे वॉच्ड, इट मीन्स ऑल द टीचर्स स्टूडेंट्स वॉचिंग द एक्टिविटी, ऑल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम द टेरेस। देर वॉज नॉट अ सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स देर वॉज नॉट अ सिंगल person to be seen around. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. It means disappeared. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town, the people who are living in this town, suddenly went their home, अपने घर चले जाते हैं, and all the people were scared of the mad elephant, कि डर जाते हैं और सभी वो खाली दिखाई देता है। I was studying in the junior class at that time. It means at that time, Ishwaran was studying in the junior classes. And was watching the whole drama from the rooftop.
और इस पूरे ड्रामे को रूफ टॉप से क्या कर रहा था, देख रहा था. ही वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा या द होल एक्टिविटी ऑफ द एलिफेंट फ्रॉम द रूफ टॉप. आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली, कि मैं नहीं जानता कि अचानक मुझे क्या हो जाता है और वो क्या एक्टिविटी करता है. आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन. इट मीन्स ईश्वरन टुक अ केन फ्रॉम द टीचर्स एंड रेन down the stairs and into the open ground. It means he came into the open ground. The elephant grunted means wahi sound karna, chillana. Ki a small boy jab usne dekha ki was coming near to him, ki uske nazdeek aa raha hai, elephant ne chillana shuru kar diya, chingharna shuru kar diya. And menacingly swung a branch of a tree which it held on its trunk. Aur usne ek tree ki branch ko ghumaya charo taraf, which it held in its trunk, jo uski trunk mein thi. And stamped its feet kicking up a lot of mud and dust. It means at the time of incidents, it means it lifted a branch of tree in its trunk. Aur usne use upar uthaya aur kya kiya, apni feet ko stump kiya. It means it hit its stump kicking, kick ki usne ek mud ko aur dust ko, aur aise wo sari jo hai dust aur mud threw into the air mein phail gayi. It looked frightening. मतलब वो डराने की कोशिश कर रहा था ईश्वरन को. ईश्वरन वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ इट, उससे नहीं डरा. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट्स, परंतु वो नहीं डरता और धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर जाता है. स्टिक इन हैंड, उसके हाथ में स्टिक है. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप. हिप्नोटाइज होकर एक टक जो है ऑल द पीपल जो वहाँ थे सभी उसको सीन को देख रहे थे. एंड वेटिंग टू सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जैसे कि वो देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड, मीन्स एलिफेंट लुकिंग एंग्री, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, कि वो मुझ पर अटैक करने ही वाला है. इट मीन्स ही मेड लाउड नॉइस एज इट वॉज अबाउट टू अटैक ईश्वरन. It lifted its trunk and trumped loudly. उसने अपनी ट्रंक को ऊपर उठाया एंड बहुत जोर से वही ट्रम्प्ट करना, ए मेड अ लाउड नॉइस, एक लाउड नॉइस करना कि जैसे कि वह अभी उस पर अटैक करेगा. At that moment, I moved forward. मैं आगे बढ़ता चला गया. Just then, and mustering all my force. और ईश्वरन कहता है कि he gathered all his strength. भी उस पर अटैक करना था तो उसने क्या किया, अपनी सारी ही फोर्स को इकट्ठा किया, अपनी स्ट्रेंथ को जुटाया. And waked its third toenail on the quick. And quickly, ईश्वरन hit its third toenail. उस पर उसने अटैक कर दिया. The beast looked stunned for a moment. एक moment के लिए तो elephant क्या हो गया, stunned ही हो गया, जैसे कि faint हो जाना. Then it shivered from head to feet. और सर से पांव तक कांपने लग गया. It means वो डर गया, जैसे उसने उसकी third toenail पर hit किया तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कांप जाता है. And collapsed. At last he fainted and fell on the ground unconscious. Clear this? Thank you.